तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी जोड़ों तोड़ों से करनी होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और BA BSc BCOM की ये मेरी वेबसाइट है, आप ही लोगों के लिए मैंने बनाई है। इस पर भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में होंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये फेसबुक पेज है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमें फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज। ठीक है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी आपको बहुत सारी न्यूज और बहुत अपडेट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बचपन का क्या नाम था। तो जिन स्टूडेंट को आंसर मालूम है सबको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नंबर एक है नमन, बी नंबर है कुमार, सी नंबर है सूरज और डी नंबर है विनोद। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार के बचपन का नाम कुमार था, आपको ध्यान देना है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार के पिता का क्या नाम था। नंबर एक सुंदर वर्मा, बी नंबर है जगदेव वर्मा और सी नंबर है विनय वर्मा, डी नंबर है श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के पिताजी का नाम था वो था श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिताजी कौन है, माताजी कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारे क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर वर्मा नहीं लिखा तो आप समझ जाइएगा वर्मा की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डॉक्टर राम कुमार ही दिखेंगे, वर्मा बहुत कम देखने को मिलेगा, वर्मा लास्ट में उनका जो सरनेम है वो ना मिले तो आप समझ जाइएगा इन्हीं की बात हो रही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू एकांकी किसकी कृत है। नंबर एक जैनेन्द्र की, बी नंबर उदय शंकर की, सी नंबर राम कुमार की, डी नंबर शिव पूजन की। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, राम कुमार की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारों मित्रा का प्रकाशन कब हुआ। नंबर एक 1898 में और बी नंबर है 1909 में और सी नंबर है 1950 में और डी नंबर है 1943 में। तो जो चारू मित्रा का प्रकाशन हुआ था वो होता 1943 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर एक उत्तर प्रदेश में, बी नंबर मध्य प्रदेश में, सी नंबर उड़ीसा और डी नंबर है गुजरात। तो जो राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान करिएगा, अगर वाइज आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलका पहले किसके दरबार में नर्तकी थी। ठीक है, तो नंबर एक है अकबर, बी नंबर चाणक्य और सी नंबर नंद के और उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या सी नंबर। ठीक है, नंद के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभूति एकांकी के एकांकीकार कौन है। नंबर एक राम कुमार वर्मा, बी नंबर है अज्ञे, सी नंबर है प्रसाद, डी नंबर है जैनेन्द्र। तो जो विभूति एकांकी उसके एकांकीकार श्री राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर एक 1917, बी नंबर 1910, सी नंबर 1905 और डी नंबर है 1912। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर 1905 ईस्वी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रट ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वीडियो में। आपके पाठ्यक्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कौन सा एकांकी संकलित है। नंबर एक पृथ्वी, बी नंबर सप्तकिरण, सी नंबर कौमुदी महोत्सव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो बीए फर्स्ट ईयर है उसमें जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी लेसन है या जो पाठ है वो क्या है। ठीक है, तो
मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, आपके लेसन में यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में जो एकांकी के बारे में बात की गई है वो है कौमुदी महोत्सव। तो राम कुमार वर्मा और कौमुदी महोत्सव से रिलेटेड इस वीडियो में ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में कौमुदी महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकुमार वर्मा की माता का क्या नाम था? नंबर एक है रामकुमारी, बी नंबर है राजरानी देवी, ओ सी नंबर है सितवंती देवी, डी नंबर है तारा। तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की माँ का नाम था वो था बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी नंबर राजरानी देवी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकन्या कौन थी? नंबर एक राज नर्तिक अलका, बी नंबर मजरा वाली, सी नंबर चाय वाली और डी नंबर है उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो विश्वकन्या थी वो उसका नाम वो क्या थी मैं आप लोगों को बता दूं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी किसकी है? तो जो दीपदान एकांकी है वो किसकी कृति है? ठीक है, यहाँ पर कृति लिखना मैं भूल गया। ठीक है, तो नंबर एक है गुलाब राय की, बी नंबर रामकुमार वर्मा की, सी नंबर अस्क और डी नंबर है शिव पूजन। तो राइट आंसर शायद आपको मालूम ही होगा, रामकुमार वर्मा की बात कर रहे हैं तो दीपदान रामकुमार वर्मा जी का ही एकांकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का था? नंबर एक जैन, बी नंबर कुशा और सी नंबर मौर्य, डी नंबर है शाक्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त जी मौर्य वंश के थे। ठीक है, मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस जात के थे? नंबर एक वैश्य, बी नंबर शूद्र, सी नंबर ब्राह्मण और डी नंबर क्षत्रिय। तो जो चाणक्य थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, राइट आंसर इसलिए इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दीपदान एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? नंबर एक 1940, बी नंबर 1950, सी नंबर है 1954 और डी नंबर है 1962। तो जो दीपदान आप लोगों को अभी ऊपर आपने पढ़ा कि दीपदान किसकी कृति है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि दीपदान एकांकी थी वो कब प्रकाशित हुई? ठीक है, या प्रकाशन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज एकांकी किसकी कृति है? नंबर एक है गुलाब राय, बी नंबर महावीर प्रसाद और सी नंबर निराला की और डी नंबर है रामकुमार वर्मा की। तो जो ऋतुराज है, ठीक है, ये है रामकुमार वर्मा जी की एकांकी कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये आप लोगों को ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाता है कि एकांकी ऋतुराज एकांकी किसकी है या किसकी कृति है और कब प्रकाशित हुई। तो नंबर एक ऑप्शन में है 1952, बी नंबर 1950, सी नंबर है 1970 और डी नंबर है 1945। तो जो ऋतुराज एकांकी का प्रकाशन हुआ था यानी प्रकाशित हुई थी वो सन का नाम है 1952, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं फिलहाल आप लोगों को भी बता दूंगा कि कहाँ पे मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बना ली है और आंसर भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, हाईलाइट कर दिया है, पीडीएफ भी तैयार हो गई है, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आसानी हो जाएगी पढ़ने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा था इससे पहले वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, ध्रुव तारिका किसकी कृति है? नंबर एक गिरिधर दास, बी नंबर प्रेमचंद, सी नंबर भुवनेश्वर, डी नंबर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ध्रुव तारिका डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की रचना कृति है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया कि रामकुमार जी से रिलेटेड है और कौमुदी महोत्सव के हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग समझ रहे होंगे कि रामकुमार वर्मा इसमें सही हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने होंगे, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि ये किस लेसन से है और किसकी है, तो वहाँ पर आप लोगों को सेल्फ से सिलेक्ट करना होगा। तो सारे क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे गिरधर दास, प्रेमचंद, भुवनेश्वर, रामकुमार। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ तो आप लोग शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करने में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सिलेक्ट करें, जो ध्रुव तारिका है वो प्रेमचंद की है, भुवनेश्वर की है, रामकुमार की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारिका एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? तो जो ध्रुव तारिका एकांकी का प्रकाशन हुआ था उस सन का नाम है
नंबर एक है 1959, बी नंबर है 1961 और सी नंबर है 1950 और डी नंबर है 1944। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है 1950 में द्रोणाचार्य एकांकिका प्रकाशन हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पुराण में रामकथा का कुछ अंश है? तो नंबर एक है वायु पुराण में, और बी नंबर है भगवत पुराण में, सी नंबर विष्णु पुराण में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। फिलहाल ये क्वेश्चन इस सिलेबस का नहीं है, ये अलग का क्वेश्चन है, ये फिलहाल इसमें इंक्लूड हो गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है वो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे, क्योंकि और भी क्वेश्चन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके डाले हैं। और भी राम कुमार वर्मा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने और क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए। फिलहाल जब मैं जो PDF मैंने तैयार की है उसमें मैंने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन 30-40 क्वेश्चन लगभग राम कुमार वर्मा जी से हैं, ठीक है PDF में। वीडियो में तो सिर्फ इतने क्वेश्चन जितने आपने देखा है, उसमें और भी क्वेश्चन में डाल दिया है, और मैंने वो PDF वेबसाइट पे अपलोड कर दी। उस वेबसाइट का नाम है sandeepinfo.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट होंगे तो वहाँ पर राम कुमार वर्मा लिखा होगा, उस पर सिलेक्ट करके आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे रिटर्न में, ठीक है। और PDF भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैंने बहुत सारी वीडियो कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।